सर, हमारी जो ये संस्था है डिस्ट्रिक्ट 308, इसमें हम फैले हुए हैं पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। कुल मिला के 68 क्लब्स हैं, 2200 महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाएं टू बी नोटेड जो जुड़ी हुई हैं। Doing things even when you don't feel like is what differentiates an ordinary from an extraordinary. And Inner Wheel gives you that platform to be that extraordinary. और इसके proof ये सभी लोग हैं. They are the bravest of all जो आज in spite of all odd weather conditions आज यहाँ आए हैं just to support the cause for the cancer patients, to support Inner Wheel. जो इस संस्था की संस्थापक हैं 1924 में, और ये शुरू हुआ था रोटेरियंस की वाइफ्स ने मिलके शुरू करा कि भाई रोटरी में जेंट्स अपना काम करते हैं, हम लेडीज भी मिलके क्यों ना कुछ शुरू करें। सो 1924 में मार्गरेट ओलिवर गोल्डिंग, जो कि एक नर्स थी, उन्होंने इसकी नींव रखी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एनएफ नेशनल, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अमन थालीवाल। आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ की सुखना लेक पर, और यहाँ पर एक इनर व्हील संस्था द्वारा डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, और वो भी इसलिए जो कि कैंसर पीड़ित लोग हैं उनको मदद की जाए, और जहाँ से जितना भी डोनेशन होगा वो सीधा पहुँचेगा चंडीगढ़ की PGI के पास, जहाँ पर कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उनकी मदद हो सके, उनका इलाज हो सके और वो इस कैंसर के रोग से छुटकारा पा सके। तो आइए अंदर जाकर इस संस्था के लोगों से बातचीत करते हैं। आइए मेरे साथ। तो अभी हम इस संस्था के जो मेन मेंबर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है उसका मोटिव क्या है, तो करते हैं उनसे बात। हेलो मैम, आप सबका स्वागत है। मैम अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम है अपेक्षा कोटावाला गर्ग, मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 की। इनर व्हील महिलाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि समाज सेवा के कार्यों में निरंतर प्रयासरत है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, इनर व्हील को 99 ईयर्स हो गए हैं इंटरनेशनली समाज में अपना योगदान देते हुए, तो आज उसी का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और वो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस वॉकेथॉन के माध्यम से। इसमें हमारा मेन मुद्दा, मेन मोटो ये है कि हम फंड रेजिंग करें, और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लोग हैं जो अपने इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाते हैं, तो हमारी संस्था उन मरीजों को देख के करके और उनके इलाज में सहायता करेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन देगी। तो मैम, जो आपका जो यहाँ पे डोनेशन होता है वहाँ कहाँ कहाँ आप डोनेट करते हो, कहाँ कहाँ पहुँचता है आपका पैसा? सर, हम एक्चुअली जितनी भी यहाँ पर लोकल कुछ NGOs भी हैं, PGI भी है, सो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं या पेशेंट्स जो कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन के हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर जिस भी तरह के उनको सहयोग की या योगदान की आवश्यकता होगी, फिर इनर व्हील, हमारे यहाँ पर 10 क्लब्स हैं इनर व्हील के, तो सभी मेंबर्स फिर उसमें हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे उनके इलाज के लिए। मैम, आपकी जो ये संस्था है इसके अलावा और क्या काम करते हैं आप लोग, ये संस्था है आपकी? सर, हमारी जो ये संस्था है डिस्ट्रिक्ट 308, इसमें हम फैले हुए हैं पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। कुल मिला के 68 क्लब्स हैं, 2200 महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाएं टू बी नोटेड जो जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं हाउसवाइफ्स भी हैं, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, तो सभी। और बेस्ट पार्ट ये है सर, इसमें जो भी फंड्स आते हैं वो महिलाएं, आप सोचिए एक हाउसवाइफ के लिए अपनी पॉकेट मनी, उसको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है तब वो इस कॉज के लिए कर पाती है, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाती है। तो आप देखिए ये जज्बा है महिलाओं का। इसमें हम नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, जिसमें हम वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं, सिलाई, कढ़ाई, नर्सिंग, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स के हो गए, एंड ब्यूटिशियन के कोर्सेज, ताकि वो सक्षम हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। उनको एजुकेट करते हैं, उनके बच्चों को। कोविड में बहुत सारे परिवारों में इस तरह का हुआ कि कोई ना कोई ऊपर हाथ नहीं रहा बच्चों के ऊपर, चाहे वो अनाथ हो गए या कोई एक फैमिली मेंबर चला गया, उन बच्चों को हम एजुकेशन भी उनकी हम स्पॉन्सर करते हैं, सभी मेंबर्स उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। कैंसर एक महामारी है, आप सभी जानते हैं, महामारी ही कहूँगी मैं, क्योंकि इतना फैल रहा है और कहीं ना कहीं प्लास्टिक का उपयोग इसके लिए जिम्मेवार है, तो हम उसके लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा जाके बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लेडीज़ में, कि किस तरह से इसकी रोकथाम हो सके। जैसे कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम इलाज पर भी काम कर रहे हैं और प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। तो मैम, आपकी ये संस्था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जरा इसके बारे में बता दीजिए। जी, हमारी ये संस्था शुरुआत हुई 1924 में मैनचेस्टर यूनाइटेड लंदन में। मार्गरेट ओलिवर गोल्डिंग है जो इस संस्था की संस्थापक हैं 1924 में, और ये शुरू हुआ था रोटेरियंस की वाइफ्स ने मिलके शुरू करा कि भाई रोटरी में जेंट्स अपना काम करते हैं, हम लेडीज़ भी मिलके क्यों ना कुछ शुरू करें। सो 1924 में मार्गरेट ओलिवर गोल्डिंग, जो कि एक नर्स थी, उन्होंने इसकी नींव रखी,
और हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं। 99 ईयर्स हो गए हैं, अगले साल हम सेंटेनियल ईयर सेलिब्रेट करेंगे इनर व्हील का मैनचेस्टर जाके। तो मैम आपका नाम? मैं उषा आहूजा हूँ। मैम हमारे पूरे जो नॉर्थ का ये एरिया जिनका ये कह रहे थे, ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है और उनमें से एक क्लब है इनर व्हील क्लब ऑफ चंडीगढ़ आशियाना, मैं उनकी प्रेसिडेंट हूँ। तो आपकी भूमिका क्या रहती है इस संस्था में? हम हर एक जो इवेंट करते हैं ना, वो एक किसी न किसी क्लब को हम होस्ट क्लब बनाते हैं ताकि मैक्सिमम जिम्मेवारी उसी की हो और काम जो है जैसे परमिशंस लेना, अरेंजमेंट्स करना, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है, इनवाइट करना, सब कुछ करना, तो वो होस्ट क्लब और उनके साथ कुछ और को होस्ट क्लब होते हैं। तो मैं होस्ट क्लब होने के प्रेजिडेंट होने के नाते हमने ये इनिशिएट किया और हमारे साथ 9 और क्लब हैं जो हमारे को होस्ट बने, जिसमें हमने थोड़ी सी फंड रेजिंग की है। और फंड रेजिंग जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम कर रहे हैं अभी और बोल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं PGI वगैरह से, जहाँ पे भी हमको लगेगा कि हम ये फंड्स दे सकते हैं नीडी पोअरेस्ट एंड पोअर जो लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम ये पैसे वहाँ पे अपने काम लाना चाहते हैं। और ऐसे भी हम हर एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो सोशल कॉज के लिए होता है। कभी बस्तियों में जाके हम हेल्प करते हैं, कंबल बांटना, गरीबों को, बच्चों को अडॉप्ट करना। हमारे कई मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने घरों में स्कूल बनाए हैं स्लम चिल्ड्रन के लिए, तो 60-60, 70-70 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक अभी मैडम आई थी, उनके 150 बच्चे हैं। तो हमारे कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे एजुकेट करते हैं बच्चों को और गरीब बस्तियों में जाके उनको सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन, हर चीज़ के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं और उनको ऑफर भी करते हैं और उनको हेल्प भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो लोअर स्ट्रेटा है, गरीब इंसान है, ये ऊपर उठे, और ये ऊपर उठेगा एक औरत के माध्यम से, क्योंकि घर की गृहिणी, घर की करनी, घर की माँ, वही इनिशिएट करती है हर काम। बच्चे को संस्कार देने से लेकर घर में सफाई, हर चीज़ की जो बुनियाद है माँ के साथ होती है, इसलिए हम उसी माँ को ही बेस मान के ये सेवा शुरू करते हैं। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे विचार मैम। अब मैम आपका नाम? मैं इंदिरा सेन घोष हूँ, IWC चंडीगढ़ हारमोनी की प्रेसिडेंट, एंड शी इज़ आवर चेयरमैन अपेक्षा जी, एंड अभी इन्होंने भी अपना परिचय दिया, उषा आहूजा जी। हम लोग सारे मिल के काम करते हैं, ये नहीं जी इंडिविजुअल मैं किया, मैंने किया, तूने किया, दिस इज़ आवर कम्बाइंड जॉब। एंड ऑब्वियसली आवर चेयरमैन इज़ सो नाइस, जे इतना इनक्रेज किया तो ऑलमोस्ट हम लोग इनक्रेज होके एक काम पॉसिबल हुआ करना। तो इस ईयर का थीम भी है, इस ईयर मतलब 3 ईयर से चल रहा, 21 से अभी 24 तक चलेगा, स्ट्रॉन्गर वुमेन स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड। सो वी आर पार्ट ऑफ दैट बिकॉज वी आर वुमेन। तो हम लोग सब, जैसे इन्होंने बोला घर की मम्मी का जो काम होता है, हम लोग भी सारे अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में जाके, जैसे अपने विद्धि स्कूल का जो देखा, ऐसे बहुत सारे स्कूल है जो हम लोग का नजर में अभी तक आई नहीं। सर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे, हमें जैसे आज के प्रोग्राम के लिए पिंक रिबन्स बनाने थे, तो एक समूह है विद्या विद्धि एजुकेशनल सोसाइटी है, जिसमें कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ बच्चों को वो करते हैं, तो हमने उनको काइंड ऑफ आप कहें फंड्स जनरेट करने के माध्यम से, ताकि उनको ऐसा भी ना लगे कि हम लाचार हैं या कोई हम पर दया कर रहा है, तो उन्होंने ये बनाए हैं जिसके अगेंस्ट उनको रेम्यूनरेशन दिया गया है। तो उस तरह से ताकि हम छोटा छोटा स्टेप्स लेके भी उनको सक्षम बना सकें और उनको हेल्प कर सकें कि वो एम्पावर हों, वो भी फील करें कि हम सोसाइटी का पार्ट है, हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बहुत अच्छा मैम। आपका नाम? मंजू शर्मा। मैम आपकी क्या भूमिका रहती है? मैं ZCC हूँ। मैम ने हमारे डिस्ट्रिक्ट को कुछ जोन्स में बांटा है, 12 जोन्स में, तो एक जोनल क्लब कोऑर्डिनेटर होता है जिसके अंडर 7 या 8 क्लब्स आते हैं, तो चंडीगढ़ आशियाना उनमें से एक है। तो जो हर साल के लिए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमें एक थीम देती है, कोई ना कोई एम देती है कि इस साल हमने ये करना है, लेकिन रूट कॉज वही होता है कि वुमेन्स को एम्पावरमेंट करना है। मैम ने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया अभी पीछे, सुबाला प्रोजेक्ट, उसमें मैम ने एक्चुअली इट वाज जैसे हमारी थीम है वर्क वंडर्स, उसमें वंडर्स ही किए कि मैम ने कुछ गर्ल्स को हम लोगों ने 30 गर्ल्स को हम लोगों ने यमुनानगर में रख के मैम ने उनको
हेल्थ केयर की वो ट्रेनिंग दी बकायदा रखकर, और सारी डिस्ट्रिक्ट ने फंड इकट्ठे करके इनको हेल्प किया और उनको खड़ा किया। आज वो हर एक लड़की कहीं ना कहीं जॉब कर रही है, तो एक इंसान से पूरी फैमिली का अपग्रेडेशन हो गई है, स्पेशली कोविड में। और मैं कहूँगी इनर व्हील की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब सब लोग रूट लेवल पे करते हैं। कोविड के टाइम में जब कोई इतना घर से डर रहा था, तब भी चंडीगढ़ के बहुत सारे क्लब्स ने घर घर खाना भिजवाया है, क्योंकि एक्चुअल में तब ज़रूरत थी मदद की। वैसे तो सब करते हैं, पर पैंडेमिक के टाइम पर बहुत ज़रूरत थी, बहुत लोग लाचार थे क्योंकि सब बीमार थे, घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था। इतने सारे क्लब्स ने ये एफर्ट किया, आप मानो नहीं, और अपनी इच्छा से, किसी को कोई बंधन नहीं था कि करना है, लेकिन इतने लोगों ने खाना प्रोवाइड किया, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत थी, बिना डरे अपना प्रिवेंशंस लेके, प्रिकॉशंस लेके, लेकिन उन लोगों ने बहुत हेल्प करी। तो जैसे हम लोगों को भी अब 8-10 साल हो गए, हम बाई चॉइस जुड़े हैं। देखो, हमारे को कोई यहाँ पे इस एनजीओ को कोई ऐसा फंड नहीं मिलता, सब अपनी जेब से निकालते हैं। और जब पता लगता है ना कि जेन्युइननेस हो रही है, तो एक से एक बढ़कर एक से हर साल मेंबर्स का नंबर बढ़ ही रहा है, बजाय कम होने के लिए हर साल क्लब का नंबर बढ़ रहा है। बिकॉज जेन्युइननेस जब अक्रॉस होती है, यू कैन फील इट, तो ये कहीं ना कहीं सबको लगता है कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। जो सोसाइटी हमें इतना अच्छा दे रही है, कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे रिटर्न बैक करें, चाहे हम एक बच्चे की हेल्प करें, हर किसी को मौका है एक वापसी देने का, सोसाइटी को एक लेवल पे लाने का। तो मैम के साथ काम करके आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं वो ज़रूर बोलूँगी, अपेक्षा जी इज़ ब्रिलियंट, होता है ना, स्माइल करके बताइए। अपेक्षा जी इज़ ब्रिलियंट, उनकी पॉजिटिविटी है। देखो, आप इतनी ठंड में कोई भी नहीं सोच सकता था कि 6-7 तारीख को हम लेक पे आएंगे और इतना, मतलब इकट्ठा होएंगे और वॉकेथॉन के लिए हाँ भरेंगे द मोमेंट। लेकिन मैम का जो एंथुजियाज्म है ना, आई शुड से, वो इतना सबको रब ऑफ करता है, सबको लगता है यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखो, एज भी मैटर नहीं करती, सो मैनी ओल्ड लेडीज़ ऑल्सो दे अपने घर से बाहर निकल के आई हैं जस्ट टू सपोर्ट हर, बिकॉज उनका एंथू जो वो इतना जेन्युइन है। आप कुछ भी कई प्रोजेक्ट्स देखें बियॉन्ड वर्ड्स। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, हमारी अपेक्षा जी इज़ ए गोल्ड मेडलिस्ट इन MBA फाइनेंस IIM अहमदाबाद से, और ये इनसे बढ़िया फाइनेंस मैनेजमेंट मैंने आज तक नहीं देखी। और आप ये देखो कि ज़ीरो से हमने ये फंक्शन ज़ीरो से किया है शुरू, और आज हमारे पास इनकी मैनेजमेंट की वजह से सब कुछ, हमने काफ़ी कुछ स्पॉन्सर करवाया, और इसमें से मैक्सिमम चीज़ें स्पॉन्सर्ड है, और ज़्यादातर, मतलब जो हमने यहाँ किया है ना सारा, ये सारा स्पॉन्सर्ड है। ये करिए, ये भी करिए रिकॉर्ड, ये देखिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैम, हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें आप? सर, सबको यही कहना चाहूँगी, doing things even when you don't feel like is what differentiates an ordinary from an extraordinary, and inner wheel gives you that platform to be that extraordinary. Aur iske proof ye sabhi log hain, they are the bravest of all jo aaj in spite of all odd weather conditions aaj yahan aaye hain just to support the cause for the cancer patients, to support inner wheel. So thank you so much, love you all. Aap sab aage aaye, badh chadh kar apna sahyog de, sahbhagi bane inner wheel ke prayason mein. Thank you very much, ma'am. God bless. Members of Chandigarh District Police Force, I extend my heartiest welcome to all of you present here to be a part of our today's walkathon for noble cause, as you already know. Thank you so very much making this event a very successful one. We are delighted to honor our distinguished guests with flowers and tokens of love on this proud of occasion. ये सब डिस्ट्रिक्ट 308 की नींव है, नींव इन्होंने रखी है, मैम को 50 साल हो गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट अगर आज है तो वो मैम की वजह से है। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट, और हम सब इनके पद चिन्हों पे आगे फॉलो कर रहे हैं। मैम का हमेशा गाइडेंस, मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। कांता मैम भी पांच डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर जिनसे हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं। इनका साथ आप देख सकते हैं, ऐसी धुंध भरी सुबह में भी मैम शिमला से और मैम परवानू से आ जाए हैं हमारे साथ, तो आप देखिए ये है डेडिकेशन,
सिंसेरिटी कमिटमेंट फॉर द कॉज ऑफ इनोवेशन. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर टुडे. और ये मेरा बैकबोन है, मेरी टीम है. Also like to tell about the preventive measures which you can take in like cancer prevention. So as ma'am told about cancer, what it is and what are the symptoms. So I would like to point out कि हमारा क्या role है इसके अंदर. आप घर पे बैठ के हमें कैसे कैसे इससे बचना चाहिए, क्या क्या अवेयरनेस हमें होनी चाहिए और किस किस एज पे हमें क्या क्या सस्पेक्ट करना चाहिए. सो बेसिकली फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. लाइक सर्वाइकल कैंसर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज 30 ईयर्स जो पैप स्मीयर वगैरह करवाते हैं. प्लस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसकी वजह से ये होता है, वी हैव अ वैक्सीन फॉर इट. सो इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग दैट. Our six children got gold and silver medals from there. May I now call Dr. Siddharth and Mr. Ajit Singh on the stage, and they want their children to be on stage along with them. Kindly give them a big round of applause, all of you. Thank you so much. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. हमारे प्यारे बच्चों के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, गूंजती रहे आवाज इनकी. थैंक यू सो मच. ओवर टू डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल. Good morning everyone. Thank you for all being here. Well, these are kids with cerebral palsy and these are all athletes. These are all playing, they are all running track and field events, they are playing football, they are doing shot put, discus throw, and I'll tell you something about what cerebral palsy is. Cerebral palsy is a disease that affects the children at birth. Generally, when the child is being born, जब पैदा हो रहा है, अगर उस time brain को blood ना जाए, कुछ cells ढंग से काम नहीं करते. Problem starts within the brain. The muscles, the bones, everything is normal. But because brain से signal नहीं आता, ये कुछ कर सकते हैं. ये एक बहुत मेहनत का काम है, because parents के मन में होता है कि अब बच्चे को हम किस चीज में डालें. चलने में दिक्कत है, कोई वोकेशनल एक्टिविटी नहीं कर पाते. उनको मोटिवेट करना, रोज सुबह उनको इकट्ठा करना, उन्हें 2 घंटे ट्रेनिंग देना स्पोर्ट्स की, इट्स वेरी टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. एंड बिलीव मी, वी स्टार्टेड दिस सोसाइटी, वाज फाउंड इन 2018, वेरी वेरी यंग सोसाइटी, द नेशनल बॉडी. इट वाज फाउंड इन 2018. द पंजाब चैप्टर वाज फॉर्मड इन 2020, जस्ट 2 ईयर्स बैक. एंड इन द Last year itself, we held the first national games. Physics director, Sports Authority of India, would like to ask him to say something. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਬੋਲੂੰਗਾ. ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ. ਕੋਈ ਮਾਈਲਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਲਿਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ. ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CPSFI ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਲ ਪਾਲਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ. ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ 1% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ. ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਚੱਲ ਹਾਂ. ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, भारत माता की जय.
ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ A big applause for the children. Pranita ma'am, just two words for you. Good morning, everyone. It's a privilege to be here with my children. And my organization's the name of my organization is Vritti Educational and Social Welfare Society. It is in Jagatpura, near 48 Motor Market. Actually, whatever the ribbon is there, pink ribbon, we are here. Everything is made by these children. And so we are. मेरे पास अभी 12 वॉलेंटियर्स आर देयर विथ मी एंड दे हैव मेड दीज रिबन्स एंड मेरे स्कूल में 150 चिल्ड्रंस है जो कभी स्कूल नहीं जाते थे आज ये स्कूल जाके दीज चिल्ड्रन आर इन फ्रंट ऑफ यू नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल चंडीगढ़ सो एवरी ईयर वी यूज टू गिव द सरकारी स्कूल में 20-25 बच्चे वहां पे जाते एंड द बिग अचीवमेंट्स ऑफ आवर वृद्धि इज In 25th, we are going to represent Chandigarh in IIT Kharagpur to put up our stall because these children made the t-shirts and made the handmade bag. They have a large jewelries are there, dupattas are there. So they invited us as associate partner, as NGO, and we are going to represent IIT Kharagpur, West Bengal. So this is the most achievement in the year 2023. So thank you so much. जस्ट ब्लेस दीज चिल्ड्रेन सो दैट ये लोग आगे जाके भी अपने अपना काम कर पाए और अपना पढ़ाई जारी रखे और साथ में कुछ एम्प्लॉयमेंट भी इनको मिले थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू सो वेरी मच प्रणीता जी फॉर योर स्ट्रॉन्ग एफर्ट फॉर एंड थैंक यू मैम थैंक यू इंदिरा मैम प्लीज गिव ब्लेस टू माई चिल्ड्रेन थैंक यू सो मच A big applause for these children. They are very hard worker and very obedient too. Okay. Thank you, Pranita ji. Chandigarh Midtown. Midtown is not here. चंडीगढ़ मिड टाउन आ जाए प्रेसिडेंट अच्छा गर्ल्स थोड़ा सा पीछे होंगे हम बहुत आगे फैल गए थोड़ा पीछे हो जाए 50,000 कंट्रीब्यूट करा है अदर देन द टिकट्स Happy birthday to you.
दोस्तों ये था इनर व्हील का डोनेशन कैंप, जहाँ पर आपने देखा कि कैसे बच्चे और बड़े बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और हिस्सेदारी ले रहे हैं और डोनेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपना इलाज नहीं करवा सकते। तो हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी डोनेशन करना चाहते हैं और उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, तो आगे आकर मदद कीजिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।